देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक डिस्टेंस कवर किया, मान लो डी डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं अपन ए से बी, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया वो, ठीक है, कितने की स्पीड से गया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 50 किलोमीटर पर आवर की, बी पे पहुंच गया। अब बी से वापस चल के आया वो, लेकिन इस बार कैसे आया, पैदल आया वो, पैदल किसी स्पीड से आया, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अपन ने मान लिया ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस, तो वो डी डिस्टेंस चल के गया, मतलब गाड़ी से गया और पैदल चल के वापस आया, या फिर ट्रेन से गया, ट्रेन दिया है यहाँ पे, ट्रेन से गया और पैदल चल के वापस आया, ठीक है। टोटल जर्नी में उसको, मतलब जाने में और लौट कर आने में उसको 5 घंटे 30 मिनट लगे। देखो 5 घंटे तो 5 घंटे ही होते हैं, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 11/2 आवर, ठीक है। टोटल टाइम लगा उसको कितना, 11/2 आवर्स, ठीक है। अब अपन को एक चीज़ पता है क्या, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। अगर अपन टाइम की बात करें, टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर 11/2 आवर्स का उसको टाइम लगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस डी डिस्टेंस कवर किया जाने में, और डी डिस्टेंस कवर किया आने में, ठीक है। जाने में कितने की स्पीड से गया, तो आप बोलो सर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आने में किस स्पीड से गया था, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जाने का टाइम हो गया, इसको T1 बोल सकते हैं अपन। ये क्या हो गया, ये आने का टाइम हो गया, ये T2 हो गया। T1 + T2 टोटल जर्नी का टाइम हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ 10 जोड़ देते हैं, ठीक है। डी कॉमन आ जाएगा, नीचे बचेगा 50, और 10D + 1D 11D हो जाएगा, = 11/2। तो 11 से 11 कट गया, 2 से ये कट गया कितने टाइम, 25 टाइम, और डी बराबर क्या आ गया, 25। आसान सी चीज़ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर।